एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डुपर। टुडे एम गोना मेक चिकन शाश्लिक रेसिपी। हियर वी गो। इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लें। 2 कप चिकन क्यूब्स, 1 कप ऑनियन क्यूब्स में काट लें, 1 कप कैप्सिकम क्यूब्स में काट लें, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 कप टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, सिरका 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड कर लें। एक फ्राई पैन में ऑयल ऐड करेंगे और लहसुन को हम भून लेंगे। आपने लहसुन चॉप किया हुआ लेना है। इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और ब्राउन करने के बाद आपने इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर देने हैं। और चिकन क्यूब्स ऐड करने के बाद आप चिकन को कुक करेंगे। इसमें मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं किया, चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा। तो आपने लो फ्लेम में इसको कुक करना है। चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। आपने ऑनियन ऐड करने के साथ आपने कैप्सिकम ऐड कर देनी है और इसको हम सोटे कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और वेजिटेबल को आपने लो फ्लेम में कुक करना है ताकि ये जले ना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। सोया सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है और सिरका डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वेजिटेबल और चिकन में इसका टेस्ट आ जाए। और ये हमारी वेजिटेबल और चिकन डन हो चुकी हैं। अब हम शाश्लिक की सॉस बनाएंगे। तो आप एक पतीली में ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दें और टमाटो केचप्स ऐड कर दें। टमाटो केचप ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी ऐड कर दें। 2 से 3 कप आप इसमें पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद आप इसमें शुगर और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है तो कॉर्नफ्लोर को आप थोड़े से पानी में घोलकर ऐड कर दें। आप डायरेक्ट कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर सकते वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आप इसको पानी में घोल के ऐड करें और इसको बॉयल आने तक कुक करें। ये देखें बॉयल आ चुका है और सॉस भी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको चिकन शाश्ले की रेसिपी बता दी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चाइनीज़ चावल के साथ इसको सर्व करें। अगर आपको चाइनीज़ चावल की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।